इंडिया में कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते दिल्ली गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि थिएटर्स को बंद कर दिया जाएगा। और इसी के साथ एक बार फिर से फिल्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पहले से ही कई स्टेट्स में थिएटर्स 50% ऑक्यूपेंसी के साथ खुले थे और अब दिल्ली में तो थिएटर्स बंद हो गए हैं। वहीं रणवीर सिंह की फिल्म 83 बॉक्स ऑफिस पर कुछ ज़्यादा कमाल नहीं कर पाई है। ये फिल्म ऑडियंसेस को थिएटर्स तक लाने में नाकामयाब साबित हुई थी और अभी फिल्म 4 दिन ही हुए थे लगे हुए कि थिएटर्स बंद कर दिए गए हैं। देखना ये होगा कि 83 कितने लॉस में जाती है। इसके साथ साथ शाहिद कपूर और मृणाल ठाकुर की अपकमिंग फिल्म जर्सी को भी पोस्टपोन कर दिया गया है। शाहिद और मृणाल ठाकुर की ये फिल्म रिलीज होने वाली थी 31 दिसंबर को, जिसे लेकर फैंस बहुत एक्साइटेड थे। ये भी खबरें आई थी कि इस फिल्म को बिना किसी कट के पास कर दिया गया है, यानी कि शाहिद कपूर के करियर की ये सबसे बड़ी फिल्म होने वाली थी। लेकिन अब ये फिल्म थिएटर्स में रिलीज नहीं हो पाएगी, क्योंकि थिएटर्स ही नहीं खुल रहे हैं। इसके चलते मेकर्स ने ये बड़ा डिसीजन लिया है कि जर्सी को अभी रिलीज नहीं किया जाएगा। हालांकि इस फिल्म को ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से प्रमोट किया जा चुका है, लेकिन अब ये फिल्म न्यू ईयर्स पर रिलीज नहीं होगी। इसकी नेक्स्ट रिलीज डेट क्या होगी, उसकी अभी तक कोई खबर सामने नहीं आई है।